ओम शांति। आज 26 तारीख 5 मास की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। बाबा कहते हैं, आज सर्वशक्तिमान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं, कौन कौन सदा नहीं लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं, और कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कभी वार कर सकते हैं और कभी हार खा लेते हैं, कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती है। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिमान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी न बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं, इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। बाबा कहते हैं, कई बच्चे बाप दादा से रूरुहान करते हैं, वह आपस में भी रूरुहान करते हैं। साधारण रूप से ये बोलते रहते हैं कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय पर दिखा देंगे व समय पर कर लेंगे, लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आवाहन करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने के लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचयिता, समय अर्थात युग के परिवर्तक हो। आप डबल काल पर विजयी हो, एक काल अर्थात समय और दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो, विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। आपका शिक्षक तो समर्थ बाप है, स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, न कि समय पर। एवर रेडी सर्व शस्त्र शक्तिधारी सेना के हो तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना, और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है। लेकिन बाबा कहते हैं, एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहां बाप की याद है वहां सदा मैं साथ हूं, ऐसे माया की भी चैलेंज है, जहां कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूं। इसीलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आवाहन कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होते हैं। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं, वो क्या वर्णन करते हो? सर्वगुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो? संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो ना, 14 कला तो नहीं कहते हो? 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा ना।
या एक आधी कमजोरी चल जाएगी ऐसा समझते हो। हिसाब किताब भी गहन है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा भोलानाथ भी है लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं बाबा। कहते हैं, देता भी कणे का घणा है। एक कणा दाना भी कोई करता है तो बहुत मैनी मैनी मोर टाइम्स करके देता है, एक का पदम देता है, पर हिसाब भी कणे कणे का करता है। कहते हैं, देता भी कणे का घणा है और हिसाब भी कणे कणे का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म या एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। जैसे संवत 111 से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर वन नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, फ्रेश, नया राज्य, ये नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर वन प्रकृति का सुख नंबर वन आत्माएं ही पा सकेगी। नंबर वन अर्थात माया पर वीन करने वाले, अर्थात माया पर विजय प्राप्त करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान का वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है ना, कि साथ रहेंगे, साथ जाएंगे और फिर वापस ब्रह्मा बाप के साथ आकर के राज्य करेंगे। ये वायदा तो नहीं किया है ना कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। फिर कहते हैं, संपन्नता और समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। संपन्न बनना अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बनना। जितना संपन्न बनते हैं उतना हौसला बढ़ता है, जितना समान बनते हैं उतना हिम्मत बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, संपन्नता और समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गंवाकर अंत समय होश में आए तो फिर क्या पाएंगे। कोई गीत है ना, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। जैसे कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय चला जाएगा फिर जागृत होंगे तो फिर क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं, आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्रों की चेकिंग कर रहे थे, रिजल्ट सुनाई ना, तीन प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चल के ये अलबेलेपन के नाज इतना थोड़ा सो चल ही जाएगा, इतनी मदद तो बाप कर ही देगा, लेकिन ये नाज नाजुक समय पर धोखा ना दे दे और बच्चे नाच से उलाना ना दे कि इतना तो सोचा ही नहीं था। इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। परीक्षा की तैयारी तो परीक्षा के पहले ही करनी पड़ती है ना। जैसे स्कूल में बच्चे, शिक्षक कितना भी अच्छा हो, बच्चा भी कितना भी होशियार हो, शिक्षक का फेवरेट स्टूडेंट हो, परंतु परीक्षा के समय तो वो उनको मदद नहीं कर सकते हैं ना। अगर कर देंगे तो भी गुनाह कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है उसके पहले से तैयारी चाहिए। बाबा कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल तो बढ़ती ही जाएगी, ये निशानियां हैं समय आने की, ये ड्रामा में इशारे हैं तीव्र गति से संपन्न बनने के। जैसे दिन प्रतिदिन समय बीतता जाता है, बहुत बातें अचानक की होती जा रही है और होगी,
इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों के शस्त्र से सदा सजे सजाए रहने का अभ्यास भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा आजकल मधुबन में तीन तरफ की नदियों का मेला है, त्रिवेणी नदी का मेला है। तीनों तरफ से आए हुए लगन से पहुंचने वाले बच्चों को विशेष देख करके बच्चों के स्नेह पर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। खास बाबा कहते हैं कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं और पंजाब वाले क्या जानते हैं, पंजाब वाले ललकार करने में होशियार है। तो दैवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार करने वाली है। फिर कहा गुजरात वाले क्या करते हैं, गुजरात की विशेषता क्या है, गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं। गुजरात के घरों में हर एक के घर में झूला अवश्य होता है। तो बाबा कहते हैं अपने संगम योगी समीप स्थान के भाग्य के भी झूले में झूलते हैं, खुशी में झूलते हैं कि हम तो सबसे नजदीक हैं। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों में झूलने वाले हैं, वैरायटी ग्रुप भी है, वैरायटी सभी को पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी रंग रूप और खुशबू वाले फूल सबको प्रिय लगते हैं ना। अच्छा फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, पूरी मुरली का सार जैसे सुना रहे हैं। कहते हैं सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली सदा अलर्ट रहने वाले सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन करके शक्तियों का सहयोग देने वाले श्रेष्ठ काल और श्रेष्ठ युग लाने वाले युग परिवर्तक नंबर वन वन नंबर वन संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पंजाब पार्टी से मिल रहे हैं, कहते हैं सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, हर कदम में पद्म भरे हुए हैं ये चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है और बिना याद के कदम भरपूर नहीं है, उसमें कमाई नहीं है। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे हो ना, कमाने वाले को कमाऊ बच्चे कहे जाते हैं। एक है सिर्फ खाया पिया और उड़ाया और एक है कमाई जमा करने वाले, तो आप कौन से बच्चे हैं। वहां बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी, यहां बाप को तो चाहिए नहीं अपने लिए ही कमाते हैं। सदा हर कदम में जमा करने वाले कमाई करने वाले बच्चे हैं, ये चेक करो क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। तो जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होंगी और भविष्य में भी होंगी। तो सभी कमाने वाले हो ना, या कमाया और खाया, क्योंकि संगम युग पर जितना जितना हम अच्छे कर्म करते जाते हैं भाग्य जमा होता जाता है। तो उसका वर्तमान प्राप्ति भी है कि हमारे पुरुषार्थ का रास्ता बड़ा सहज होता जाएगा, हर प्रकार से हमें मदद मिलती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं जैसे बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप संपन्न है संपूर्ण है वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो, डरे तो नहीं, थोड़ा सा डर भी संकल्प मात्र में भी आया या नहीं, ये तो नथिंग न्यू है ना। कितनी बार ये हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। शक्तियां भी निर्भय है ना, शक्तियां तो सदा विजयी सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे, जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता है,
छत्र छाया के अंदर तो भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गायी हुई है, सभी विजयी शेर हो ना। शिव शक्तियों की, पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियां कल्प कल्प के विजयी है। बच्चों से बाप का स्नेह है ना, बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं को भी सहारा देते हैं तो बच्चों को तो सहारा सदा है ही है। दूसरी बात कहते, सदा हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाले हो ना, उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ने का मार्ग बताते हैं। ये दोनों ही पंख सदा साथ रहे। एक पंख भी ढीला होगा तो ऊंचा नहीं उड़ सकेंगे, इसीलिए ये दोनों ही आवश्यक है, हिम्मत भी और उमंग उल्लास भी। हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है। हिम्मत मुश्किल को सहज बनाने वाली है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं हो ना। नीचे आने से तो देख लिया क्या प्राप्ति हुई, नीचे ही गिरते रहे, लेकिन अभी तो उड़ती कला का समय है। हाई जंप का भी समय नहीं है, सेकंड में संकल्प किया और उड़ा। ऐसी शक्ति बाप द्वारा सदा मिलती रहेगी। फिर और बात है, स्वयं को सदा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। ज्ञान सूर्य का कार्य है सर्व से अज्ञान अंधेरे का नाश करना। सूर्य अपने प्रकाश से रात को दिन बना देता है, तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व के अंधकार मिटाने वाले, भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले हो ना। अपना ये कार्य सदा याद रहता है, जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन भुलाने से भी नहीं भूलता। वो तो है एक जन्म का विनाशी कार्य, विनाशी ऑक्यूपेशन, और ये तो है सदा का ऑक्यूपेशन कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो सदा अपना ये अविनाशी ऑक्यूपेशन या ड्यूटी समझकर अंधकार मिटाकर रोशनी लानी है। इससे स्वयं से भी अंधकार समाप्त होकर प्रकाश होगा, क्योंकि रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशमय हो ही जाता है। तो ये कार्य सदा याद रखो और अपने आप को रोज चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूं। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं तो आग के सेक में नहीं आते हैं ना, ऐसे सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं तो नहीं आ सकते हैं ना। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये नशा व खुशी सदा बनी रहे। अच्छा, अभी बाबा ने कुमारों से मुलाकात की है, कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार जीवन में बाप के बन गए ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख करके सदा हर्षित रहो और औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारियां हैं। कुमार जो चाहे वो अपना भाग्य बना सकते हैं। हिम्मत वाले कुमार हो ना, कमजोर कुमार तो नहीं। कितना भी कोई अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवाय कहां भी आकर्षित नहीं हो सकती। ऐसे बहादुर हो ना, कई रूप से माया अपना बनाने का प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी, घबराने वाले नहीं। अच्छा है वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, बस यही सदा स्मृति में रखना। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, ये नशा रखो।
जहाँ ईश्वरीय नशा होगा वह माया से परे रहेंगे। सेवा में तो सदा बिजी रहते हो ना, ये भी बहुत जरूरी है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज योगी रहेंगे, लेकिन याद सहित सेवा हो तो सेफ्टी है। अगर याद नहीं होगा तो सेवा में भी कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा, अथवा सेवा का भी अहंकार आ जाएगा, तो जैसे कि माया आ जाती है। याद नहीं तो सेफ्टी नहीं, याद में रहकर सेवा करेंगे तो सेफ्टी है। दूसरी बात, कुमार सदा निर्विघ्न हो ना, माया आकर्षित तो नहीं करती। कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश बहुत करती है। बाबा कहते हैं माया को कुमार बहुत पसंद आते हैं, वो समझती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सब तो बहादुर हो ना, माया के मुरीद नहीं हो, माया को चैलेंज करने वाले हो। आधा कल्प माया के मुरीद रहे मिला क्या, सब कुछ गंवा दिया ना, इसीलिए अभी प्रभु के बन गए। प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना। तो सभी कुमार विजयी कुमार है ना, देखना कच्चे नहीं होना। माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है कि मेरे बन जाए। लेकिन आप सबने संकल्प कर लिया है, जब बाप के हो गए तो निष्फूर्ण हो गए, निश्चिंत हो गए। तो बाबा ने वरदान दिया, सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला भव। फिर तीसरी बात, बाबा कहते कुमार अर्थात सदा समर्थ। जहां समर्थ ही है वहां प्राप्ति है। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, नॉलेजफुल होने के कारण माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले, इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो। सदा एक ही बात पक्की करो कि कुमार जीवन अर्थात मुक्त जीवन। जो जीवन मुक्त है वो संगम युग की प्राप्ति युक्त होगा। सदा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। कुमारों को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए। क्या खुशी में नाचना चाहिए? वाह कुमार जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा और वाह बाबा, वाह वाह के यही गीत गाते रहो। खुशी में रहो तो कमजोरी आ नहीं सकती। सेवा और याद दोनों से शक्ति भरते रहो। कुमार जीवन ही हल्की जीवन है। इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कितने संबंधों में बंधने से बच गए। तो सदा अपने को ऐसे डबल लाइट समझते हुए उड़ती कला में चलते रहो तो आगे नंबर ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज का वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा तो परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन, बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।